हिमालय की गोद में बसा एक गांव जो पीढ़ियों से नमक का सौदा करता आया है, लेकिन मुखे की जवान बेटे की अचानक मौत के बाद 77 साल के बूढ़े मुखे को एक बार फिर इस काफले की अगुवाई करनी पड़ेगी। सफ़र कठिन है, लंबा है और मंजिल पर उसकी तकदीर का फैसला होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की इस नेपाली मूवी का नाम है हिमालया। ये पहली नेपाली मूवी थी जिसे बेस्ट फॉरेन मूवी के तौर पर नॉमिनेटेड किया गया था। मूवी के डायरेक्टर है एरिक वाली और आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को पूरा एंजॉय करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को हिट पक्का से करें और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। 20 परिवारों का एक गाँव जो कई दशकों से नमक का सौदा करते आ रहे हैं। टीनले, इस गांव का पूर्व मुखिया, अपने 7 साल के पोते सेरिंग के साथ रोज़मर्रा की खेती के काम में लगा है। दूर से उनके गांव का काफिला नमक की बोरियों के साथ आते हुए दिखा। पूरा गांव उत्साहित है कि उनके लोग कठिन सफ़र तय करके वापस लौट आए, पर उनके साथ एक बुरी खबर भी आती है। मुखिया टीनले का बेटा लाखपा पहाड़ी से गिरने से मारा गया। उसका दोस्त कार्मा ने टीनले को बताया कि लाखपा दूसरे रास्ते से ये सफ़र जल्दी तय करना चाहता था। उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, पर उसने हमारी नहीं सुनी और अकेला चला गया। अगले दिन वो हमें घाटी पे मरा पड़ा मिला। जवान बेटे के मौत से स्तंभित टीनले बस खड़ा है। पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी अंतिम यात्रा पूरी की गई। पीछे रह गए लाखपा के बूढ़े माँ बाप, बीवी पेमा और उसका बेटा सेरिंग। बेटे की मौत से दुखी टीनले ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि उसका बेटा हादसे में मरा है। उसे ये कर्मा की साजिश लगती है। अगला मुखिया बनने के लिए उसने उसके बेटे को अपने रास्ते से ही हटा दिया। टीनले अगला मुखिया अपने पोते सेरिंग को बनाना चाहता है, लेकिन अभी इसमें बहुत समय है। वो भी छोटा है, पर गांव को इसी सर्दियों के गिरने से पहले अपने मुखिया का चुनाव करना होगा, जो पहाड़ों को भली भांति जानता हो, जिस पे लोगों का विश्वास हो, जिसे वो अपने मवेशियों को सौंप सके। इसके लिए तीर अंदाजे की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कर्मा जीत जाता है। सब चाहते हैं कर्मा ही उनका अगला मुखिया बने, क्योंकि वो जवान है, अनुभवी है और एक नेता की सारी खूबियाँ उसमें मौजूद हैं। टीनले का पोता कर्मा को खूब पसंद करता है और उसकी तरह बनना चाहता है। शाम को बुजुर्गों की बैठक में सब कर्मा का नाम अगले मुखिया के लिए प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन टीनले की नज़र में वो एक धोखेबाज है। वो कभी उसे मुखिया नहीं स्वीकार सकता। उसके दादा ने मेरे दादा को मारा और अब फिर से वही कहानी दोहराई गई। मुझे यकीन है मेरे बेटे को कर्मा नहीं मारा है, सबने उसे समझाते हुए कहा कि ये एक हादसा था। उसके अलावा और कौन काफिला का नेतृत्व कर पाएगा? तब टीनले ने कहा, लाखपा का बेटा सेरिंग ही मुखिया बनेगा और जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता, तब तक मैं करूँगा जैसे सालों पहले करता था। सब कहते हैं हमें तुम पर पूरा भरोसा है टीनले, पर अब तुम्हारे भी पैर हमारी तरह मजबूत नहीं रहे। ये इतनी दूर का सफ़र तय नहीं कर सकते, टीनले गुस्से में कहता है। यहाँ मौजूद सभी लोग कर्जदार हैं मेरे। इतने सालों तक मैंने तुम्हारा नेतृत्व किया है, आगे भी मैं कर सकता हूँ, पर उसे जल्द ही कर्मा से बेहतर किसी को ढूंढना होगा। ये लोग हर साल सर्दियाँ आने से पहले घाटी तक कई दिनों का सफ़र तय करके नमक की बोरियों के बदले में अनाज खरीदते हैं, क्योंकि पहाड़ों में पर्याप्त अनाज नहीं उगते कि पूरे गाँव का पेट भर सके। परंपरा के अनुसार गाँव के लामा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर एक शुभ दिन निकाल रहे हैं, जिस दिन काफिला रवाना होगा। पर कर्मा को ये सब दकियानुसी बातें बेमायने लगती है, जिससे सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। उनमें बहस होने लगी। लामा कहता है ये परंपरा तुम्हारे जन्म के पहले से चली आ रही है। दूसरी तरफ कर्मा कहता है पर तुम्हारे ये पंचांग बर्फ की तूफान को आने से नहीं रोक सकता। यहाँ टीनले उस हर उपयुक्त दावेदार के पास जाकर दरख्वास्त करता है, पर कोई भी कर्मा के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। सुबह कर्मा खुद आकर टीनले से ये सब बंद करने और उसका साथ देने को कहता है। मैंने लाखपा को नहीं मारा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पर बेटे की मौत से झुंझलाया हुआ टीनले उसे टोकते हुए कहता है, ये पहाड़ तुम्हारे किए की गवाह है। मैंने सालों अगुवाई की है और आगे भी कर सकता हूँ,
तुम्हारे मंसूबे को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। लाखपा का बेटा ही अगला मुखिया बनेगा। आने वाले 10 दिनों के बाद काफिला निकलने की तारीख निकली। लामा छत पे खड़े होकर जोर जोर से ये घोषणा करता है। अपने घर के कोने में खड़ा टिनले बस यही सोच रहा है कि अब वो आगे क्या करे। रात भर वो सो नहीं सका और भोर होते ही कहीं निकल पड़ा। यहाँ कर्मा को जाने की तैयारी करता हुआ देख हैरानी से उसका दोस्त पूछता है, लेकिन अभी रवाना होने में तो 4 दिन बाकी है। कर्मा कहता है, सर्द हवाएं इंतज़ार नहीं करेगी, ना ही वो रहम दिखाएगी हम पर। पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। वो उन्हें भी साथ चलने को कहता है, पर वो हिचकिचाते हैं। हमें भगवान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इधर टिनले एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पहुँचता है, जहाँ उसका दूसरा बेटा नॉर्बू रहता है। इतने दिनों बाद ना बेटा पिता को और ना ही पिता अपने बेटे को पहचान पाया। बहुत छोटी उम्र में ही टिनले उसे यहाँ छोड़ गया था। टिनले उसे पूरी बात बताकर उसे अपने साथ आने को कहता है। नॉर्बू को अपने भाई की खबर सुनकर दुख होता है, लेकिन वो साथ जाने से इनकार करता है। मैं ना पहाड़ों को जानता हूँ, ना नमक, ना ही मवेशियों को। ये हाथ सिर्फ चित्र बनाना, मंत्र जापना जानता है। छोटी उम्र में आप मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि आप चाहते थे मैं लामा बनूं, और अब अचानक मुझे सब छोड़कर अपने साथ चलने को कह रहे हो। गुस्से में टिनले वहाँ से चला गया। कर्मा एक बार फिर टिनले के घर लाखपा की माँ को बताने आया कि कल सुबह वो बाकी लोगों के साथ रवाना हो रहा है और उनके मवेशी को भी साथ ले जाना चाहता है। टिनले को वहाँ ना पाकर उसने पूछा तो पता चला कि वो नॉर्बू को लेने गया है। गुस्से में वो वहाँ से निकल गया। जाने वाले दिन भोर में पेमा कर्मा को वहाँ बुलाती है, जहाँ वो बचपन में खेला करते थे। वो उसे रोकने आई थी, लामा की बातों को ऐसे नज़रअंदाज मत करो, और अभी तो टिनले भी यहाँ नहीं है। कर्मा कहता है, ऐसे कब तक लाखपा की मौत का मातम मनाती रहोगी? अपने मवेशी को लेकर मेरे साथ चलो। पर वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। गाँव के अधिकतर नौजवान कर्मा के साथ रवाना होते हैं। लामा ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, पूर्वजों को नाराज मत करो, अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो हम सब पे उनका प्रकोप बरसेगा। कर्मा कहता है, मैंने किसी को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया है। शाम को जब टिनले वापस आया, आधे से ज़्यादा लोग रवाना हो चुके थे। नॉर्बू को उसके साथ ना देख वहाँ खड़े लोग कहने लगे, अब हमारी नमक की बोरियाँ कौन लेकर जाएगा? हम लामा के तय किए हुए तारीख को ही निकलेंगे, जैसे पहला निकला करते थे, टिनले ने कहा। लोग पीछे हटने लगे क्योंकि जो बाकी रह गए हैं सब उम्रदार हैं। लेकिन टिनले पूरे जोश में कहता है, हमने इससे भी पूरे दिन साथ देखे हैं। पूर्वज हमारे साथ है, ये पहाड़ हमें पहचानते हैं और ये रास्ते हमारे साथ ही हैं। टिनले का जिस्म बूढ़ा है, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं। सब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब तय किए दिन पर सब निकलने की तैयारी में है, तभी नॉर्बू आया। उसे देख कर उसकी माँ बहुत खुश है, पर टिनले अब भी नाराज है। लामा नॉर्बू के पास लोग खुद आकर उसे आशीर्वाद लेने लगे। टिनले सबको रोकते हुए कहता है, अब मेरा बेटा लामा नहीं रहा, अब वो भी इस काफिला का हिस्सा है। सबसे विदा लेकर नॉर्बू, टिनले और बाकी काफिला निकल पड़ा। साथ सेरिंग और उसकी माँ पेमा भी होती है। यानी अब दो काफिला एक ही गाँव से निकला है, एक कर्मा के नेतृत्व में और दूसरा टिनले। ना जाने आगे क्या होना लिखा है। धीरे धीरे टिनले का काफिला आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दौड़ते भागते हुए कर्मा और उसके साथी मवेशियों को हांक रहे हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ कर्मा के पास आया और कहा, पीछे कुछ लोग रुक गए हैं। जाकर देखने पे उनका एक आदमी बेहोश पड़ा मिला। सब कर्मा की गलती बताते हैं कि उसने पूर्वजों को नाराज किया है, ये उसी की सज़ा है। फिर कर्मा ने उस आदमी के कपड़े से शराब की शीशी निकाली। सब खामोश फिर कर्मा के साथ चल पड़ते हैं। शाम ढलते सभी थक के चूर हो चुके हैं, लेकिन कर्मा उनसे अभी भी 4 दिन आगे हैं। हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा, टिनले कहता है। सुबह टिनले सबसे पहले उठकर अपने पूर्वजों से सुरक्षित सफ़र की प्रार्थना करता है। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद सेरिंग रोने लगा, वो वापस घर जाना चाहता है। टिनले उसे समझाता है, अब वापस नहीं लौटा जा सकता। लेकिन टिनले के साथी भी लौटना चाहते हैं क्योंकि आगे का सफ़र वो शायद ना तय कर पाए। पेमा कहती है, सेरिंग अभी छोटा बच्चा है, मैं वापस उसे ले जाती हूँ, नहीं तो पूरा काफिला पिछड़ जाएगा।
टिनले कहता है वो कल तक बच्चा था लेकिन आज वो इस काफिले का हिस्सा है और कल यही उसका भविष्य। इतनी देर में सब देखते हैं कि सेरिंग बिल्कुल अपने दादा की तरह आगे बढ़ चुका है। छोटा बच्चा भी हालात को समझता है। वक्त का हिसाब भी अब रखना मुश्किल हो रहा है। कोई कहता है 8 दिन, कोई कहता है 10 दिन हो गए। रात के वक्त लोग आपस में बात करते हैं। लगता है तिनले रास्ता भटक गया है, वो पूरी तरह पागल हो गया है, इस तरह तो सब मारे जाएंगे। और तय होता है सुबह उससे बात की जाएगी। सुबह सबने तिनले को समझाने की कोशिश की लेकिन तिनले के सर पर जिद सवार है, वो कर्मा को जीतने नहीं देगा। थोड़ी ही दूर में उन्हें कुछ लोग दिखे पर वो कर्मा का काफिला नहीं बल्कि पहाड़ों में घूमते तीर्थयात्री है। उनसे पता चला कि कर्मा का काफिला को उन्होंने इसी रास्ते पे 5 दिन पहले देखा था। चुपचाप सबसे दूर बैठे टिनले यही सोच रहा है कि इतनी धीमी गति से कैसे कर्मा तक पहुंच पाएंगे। तभी नोरबो उसके पास आया। टिनले ने पूछा, मना करने के बाद भी तुम क्यों आए? नोरबो कहता है, क्योंकि मुझे एक बार मेरे गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हो हमेशा कठिन रास्ता चुनना। ये बात सुनकर टिनले के दिमाग में एक तरकीब आई और जाकर उसने सबको कहा, हम कल सुबह शैतान का रास्ता लेकर कर्मा से पहले पहुंच जाएंगे। पर सब उसका विरोध करते हैं क्योंकि ये खुद खाई में कूदने जैसा है। टिनले ने कहा, मैं खुद उस रास्ते पे 10 साल पहले चल चुका हूँ और सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगली सुबह सब शैतान के रास्ते पे निकल पड़े। पहाड़ के किनारे एक सकरा पत्थरों से बना रास्ता, जिसके एक तरफ ठंडा बर्फीला पानी जहाँ ज़रा सी चूक और मौत निश्चित है, यही है शैतान का रास्ता। आधा रास्ता तय करने के बाद आगे जाने का रास्ता टूटा होता है। रास्ता इतना सकरा है कि मवेशियों को पीछे मोड़ा भी नहीं जा सकता, सब वहीं रुक जाते हैं। टिनले का एक साथी आगे बढ़कर रास्ता बनाने लगा, टिनले भी साथ देता है। ये इतना मजबूत होना चाहिए कि जानवरों का वजन ले सके। टिनले की प्यारी याक पहले आगे बढ़ने से डरती है क्योंकि जानवर खतरा भाप लेते हैं। धीरे धीरे सभी मवेशी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आखिरी जानवर के आने तक रास्ता दोबारा टूट गया और नीचे गिर जाने से उसकी मौत हो जाती है। बाकी सभी सही सलामत नीचे तक पहुंच गए। टिनले कहता है, इस रास्ते को इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है, 1 याक और 2 बोरी नमक। थोड़ी देर में टिनले कर्मा तक पहुँच ही गया। सब हैरान हैं, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। गांव के दूसरे काफिले को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। कर्मा भी टिनले का स्वागत करता है लेकिन टिनले उससे अभी भी नाराज़ है। कर्मा सोच समझ नहीं पा रहा कि टिनले ने 4 दिन का अंतर कैसे इतना जल्दी तय कर लिया। आग के पास लोग जमा हैं। टिनले हाथ में नमक की गोटियां लिए हैं, उसे वह आग में डालता है पर नमक की गोटियां नहीं चटकती क्योंकि उसमें नमी भर चुकी है। इसका मतलब कि जल्द मौसम के खराब होने की संभावना है। टिनले कल ही सबको रवाना होने की सलाह देता है पर कर्मा मना करते हुए कहता है, लगातार सफ़र से लोग और मवेशी दोनों थके हुए हैं, उन्हें 2 दिन आराम की ज़रूरत है। देखो आसमान साफ है, मौसम खराब होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुट्ठी भर नमक की वजह से हम सब की जान तुम दाव पे लगा रहे हो। टिनले कहता है, इस मुट्ठी भर नमक ने ही हमें हजारों साल तक रास्ता दिखाया है। ये सब बच्चों की कहानियां हैं, कहकर कर्मा वहां से चला गया। सब कुछ देखकर नोरबो उसे समझाने की कोशिश करता है, वो कर्मा को अपने भाई के मौत का दोषी नहीं मानता। सुबह पेमा को सेरिंग कर्मा के पास सोया हुआ मिला। पेमा कर्मा को भी साथ चलने को कहती है, नहीं तो बर्फीली तूफान में वो मारा जाएगा। टिनले पहाड़ों को जानता है, वो गलत नहीं होता। कर्मा ने उसे अपने और टिनले में से एक को चुनने को कहा। पेमा जवाब देती है, तुम दोनों एक जैसे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कर्मा ने फिर कहा, पर तुम अपने बारे में सोचना कब शुरू करोगी? आधे से ज़्यादा लोग टिनले के साथ रवाना हो गए और जैसा टिनले ने कहा था मौसम अचानक बदल गया। तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई, सामान्य दूरी भी नज़र आना बंद हो गया। सब टिनले को कहीं रुक जाने को कहने लगे लेकिन इरादों का पक्का टिनले नहीं रुका। घुटनों तक बर्फ जम गई पर टिनले यही कहता है, धीरे ही सही पर रुकना नहीं जब तक उस गोल गुम्पा ना पहुंच जाए।
टिनले पीछे देखने जाता है कहीं कोई रह तो नहीं गया। बूढ़ा टिनले सबसे और खुद से लड़ते लड़ते थक चुका है। वो मन के जोर से आगे बढ़ रहा है लेकिन शरीर को तो कभी न कभी रुकना ही था और वो वहीं बेहोश हो गया। सभी टिनले को ढूंढने लगे। दूर से उन्हें कर्मा आता दिखा जो अपनी पीठ में टिनले को लादे हुए हैं। कर्मा बहुत अफसोस करता है कि उसने टिनले की बात नहीं सुनी। वो सही था कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। पेमा कहती है, अगर तुम पीछे ना रहते तो टिनले को बचा नहीं पाते। रात की चुप्पी में पेमा और कर्मा नज़दीक आते हैं। टिनले उन्हें रोकने आगे बढ़ता ही है कि नोरबू ने उसे बीच में रोक दिया। टिनले ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, मुखिया तुम्हें बनना है। नोरबू ने तब कहा, मैं एक लामा हूँ, एक बेटा जो अपने पिता की मदद करने आया था। कुछ चीज़ें परिस्थिति के हाथ छोड़ देनी चाहिए। रात गुजरने के बाद तूफान थम चुका है, बाहर के साथ साथ अंदर का भी। टिनले ने सबके सामने कर्मा को मुखिया स्वीकार करते हुए कहा, ये हमेशा याद रखना, एक मुखिया अपने लोगों को आदेश देता है लेकिन ऊपर वाले से आदेश लेता भी है। कर्मा कहता है, मैंने हमेशा आपको एक पिता के रूप में देखा है। टिनले ने जवाब में कहा, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, धुन के पक्के बेपरवाह, अपना रास्ता खुद बनाने वाले। सभी अपने नए मुखिया का स्वागत हर्ष और उल्लास से करते हैं कि इतने में टिनले जमीन पर गिर पड़ा। सभी घबरा जाते हैं पर टिनले कहता है, मैं बीमार नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे यहीं छोड़ दो, मेरा समय आ चुका है। आखिरी शब्द उसने कर्मा से कहा, तुम्हें मेरे बिना आगे बढ़ना है, सरिंग का ख्याल रखना, और हमेशा के लिए अपनी आँखें बंद कर लेता है। नोरबू पिता का सर गोद में रखे उनके अगले सफ़र के लिए प्रार्थना करता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी तीन मुखिया की, एक जिसका समय ख़त्म हो रहा था, एक जिसका समय शुरू हो रहा है और एक जो भविष्य में मुखिया बनेगा। जिस तरह हमें नई विचारधारा की ज़रूरत है पर पुराने लोगों के अनुभव का अपना महत्व भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ पे नई टहनियाँ आ जाने पर हम उसकी जड़ें नहीं काटते। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।